महाराष्ट्राचे लाडके लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व वडील मंडळींना आणि बंधू भगिनींना, मीडियातील मित्र, उद्या मकर संक्रांती आहे आणि मी ह्या खास दिवसाच्या निमित्ताने आपणास खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. मी देवाला प्रार्थना करतो की आपणास नेहमी देवाचा आशीर्वाद असून आपणास नेहमी सुख संपत्ती व आनंद लाभावा. आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप इमोशनल आहे. मी खूप भावुक आहे. मी काँग्रेस सोडेन असं कधीच वाटलं नव्हतं आणि आज मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी 55 वर्षाचे जुने नाते शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी आज संपत आहे. आपल्या सर्वांना माहितच आहे की माझं राजकारण, माझं पॉलिटिक्स नेहमीच पॉझिटिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, सकारात्मक आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राहिले आहे. माझी विचारधारा मुंबई, महाराष्ट्र, भारतातील सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणे आहे आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब अत्यंत मेहनती, सगळ्यांसाठी ऍक्सेसिबल, उपलब्ध आणि जमिनीवरचे नेते आहे. महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या वेदना आणि आकांक्षा त्यांना चांगले माहीत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांची विजन खूप मोठी आहे आणि म्हणून मला आज त्यांचे हात आणखी मजबूत आणि बळकट करायचे. त्याचप्रमाणे आमचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी यांच्याकडे देशासाठी एक भव्य विजन आहे आणि मला शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांचे हात बळकट करायचे. एकनाथजी माझ्या कुटुंबाचे शिवसेनेशी खूप जुने नाते आहे. माझे स्वर्गीय वडील मुरली भाई बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मुंबईचे महापौर झाले आणि माझ्या आईचे माहेरचे नाव फणसाळकर असल्याने श्रीकांतजी बाळासाहेब मुरलीभाईंना प्रेमाने महाराष्ट्राचे जवाई म्हणायचे. बाळासाहेबांना मान देण्याबरोबरच मुरलीभाई, माझे स्वर्गीय वडील आणि शिंदे साहेब यांच्यात बरेच सिमिलॅरिटीज आहे, बरेच साम्य आहे. दोघांचा जन्म सामान्य कुटुंबात झाला. दोघेही जमिनीवरचे नेते आहेत आणि होते. दोघांनीही नगरसेवक म्हणून सार्वजनिक करिअर सुरू केली. मुरलीभाई केंद्रीय मंत्री झाले आणि शिंदे साहेब आपल्या मेहनतीने आपल्याला वर्षा बंगलापर्यंत पोहोचवले. श्रीकांतजी आणि मला तुम्ही दोघांनी शिकवले की राजकारणात जनसेवा, लोकसेवा हे एकमेव विचारधारा आहे. माझ्यावरी चुकीचा आरोप होण्याआधी शिंदे साहेबांनी मला पक्षात प्रवेश करण्याचं आमंत्रण का दिलं मी हे आज ह्या व्यासपीठावरच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. याची कारण आहे की शिंदे साहेबांना मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करू शकणारे चांगले लोक हवे आहेत.
खासदार होऊन मी मुंबई महाराष्ट्र शिवसेनेचे आणि शिंदे साहेबांचा विजनचे उत्तम प्रतिनिधित्व करू शकतो असे एकनाथजी आणि श्रीकांतजी यांचे मत आहे आणि त्या समर्थन आणि विश्वासाबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. हमारे यहां बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में, कुछ मराठी भाषी है, हिंदी भाषी है, इंग्लिश भाषी है. दिल्ली से, नेशनल मीडिया से लोग यहां उपस्थित हैं. सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा. मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं. अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है. यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते. एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स. The same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward, aaj us party ka ek hi uddeshya hai ki Modi ji jo kahenge, jo kehte hain, jo karma karte hain, automatically uske khilaf bolo. Kal ko yadi Modi ji kahenge ki Congress party ek bahut achhi party hai to uska bhi virodh karenge. Aur main ek baat kehna chahta hu कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं. गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म. मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी. मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से, एकनाथ जी आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन, जिनके वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ है. और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ, हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले. आज दोस्तों, भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है, और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है. आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमीनीवर से नेते है, इतने एक्सेसिबल, मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए. उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा.
और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है, आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है, और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कभी हम सोच नहीं सकते थे इस मुंबई में इतने सालों से, जो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में शिंदे जी मुंबई पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। ये मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट का कारण है नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी की नीतियों। मेरे यहां उपस्थित सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को मैं अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सुख और दुख में मेरा साथ दिया। आप सब जानते हैं कि ये निर्णय मेरे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन जो यहां उपस्थित है और जो यहां हमारे साथ आज नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के और बेहतर सेवा करें। पुनः एकदा शिंदे साहेब, बाला साहेबांचा शिवसेनाचा माध्यमातून मला आपल्या नेतृत्वाखाली मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारतातील सामान्य लोकांची सेवा करण्याची संधी मिळाली, त्या संधीबद्दल मी आपल्या मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आणि मी येथे उपस्थित असलेल्या सर्व शिवसैनिकांना सांगू इच्छितो की मी तुमच्या सोबत प्रामाणिकपणे पक्षाला वाढवण्यासाठी काम करीन। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।